हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए एक डबल जिपर पाउच लेकर आई हूँ, जिसकी बड़ी डिमांड थी और इसका बहुत इजी तरीका मैंने निकाला है बनाने का, जो आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले हम देख लेते हैं, ये तो पहले देखिए कि ब्लैक एंड वाइट, ग्रे और रेड का कॉम्बिनेशन मैंने पूरा दिया है। और जब इसको हम खोलेंगे इस तरह से, तो ये दो सेपरेट पाउच हमें मिलेंगे और इसके अंदर भी हमने पूरा रेड का ही कॉम्बिनेशन दिया है और काफ़ी इसमें स्पेस है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज का डबल जिपर पाउच बनाने के लिए हमें सामान चाहिए 12x16 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, 2x12 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, 12x16 इंच के 2 पीस फैब्रिक, 6 इंच फैब्रिक लूप, 12 इंच की 2 जिप, 2 रनर। सबसे पहले हम लेंगे 2x12 इंच का क्विल्टेड पीस, जिप, मैंने इसमें रनर डाल दिए हैं, लूप और 12x16 इंच के 2 पीस लाइनिंग। तो अब हम इसको शुरुआत करेंगे। इसमें एक जिप यहाँ उलट के रखेंगे सीधे पीस पर और इसके साथ एक लाइनिंग भी रखेंगे। और यहाँ पर इसमें हम फिनिशिंग भी दे देंगे। और इस साइड दूसरी जिप रखेंगे और लाइनिंग जोड़ देंगे। अब इसमें हम ये जो हमारे पास लूप है इसको यहाँ पर लगा के, अब इसको जोड़ने के बाद हम अपना मेन पीस लेंगे। मेन पीस को इस तरह से सीधा रखेंगे, इस पर ये जिप रखेंगे और जो इसी तरफ की जो लाइनिंग है उसको हम इसी के साथ जोड़ देंगे उलट के। ये वाला जो जिप का पीस है इसको यहाँ रखेंगे और इसके साथ इसकी लाइनिंग जोड़ देंगे। और अब ये जो हमारी लाइनिंग के पीस हैं इनको एक तरफ करेंगे और इस जो क्विल्टेड पीस है उसका हम सेंटर निकालेंगे। तो ये दोनों जिप को एक साथ मिलाएंगे और इसका सेंटर यहाँ निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लेंगे और इधर से भी उसी तरह से सेंटर निकालेंगे। अब इसको हम इस तरह से खोल देंगे और ये जो सेंटर निकाला था हमने यहाँ पर, ये सेंटर है, तो ये जो हमने पट्टी लगाई थी इसका सेंटर मिलाते हुए इसको यहाँ पर पिन कर देंगे और इधर भी, इधर लूप लगा है इसलिए हम पिन नहीं लगा पा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। और इस प्रेस करने के बाद इसको बीच में कर देंगे। अब ये हमारा बाहर का हिस्सा आ गया है और इसको इस तरह से जो लाइनिंग है बीच में ले आएंगे और इसको अब हम यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे। ये इतना जोड़ना है, ये जो रेड वाला हिस्सा है इसको नहीं जोड़ना है, जितना क्विल्टेड पीस है उसको हम यहाँ यहाँ दोनों तरफ सिल देंगे। अब ये पिन निकाल देंगे और ये हमने यहाँ पिन नहीं लग रही थी तो इसको बाहर निकाल दिया था, अब इसको अंदर कर देंगे। इसको अंदर करने के बाद
अब ये जो रेड वाले पीस हैं हमारे क्विल्टेड पीस हटाते हुए, इसको भी पूरा हम इस तरह से सिल देंगे चारों तरफ। ये एक पीस का सिल दिया, जो दूसरा पीस है उसमें केवल एक साइड सिलेंगे, एक साइड खुला छोड़ देंगे। और अब ये जो हमारा पीस बचा है इसको हम सिल देंगे, ये जिप से लेकर के यहाँ पर हमने अभी सिलाई छोड़ी हुई है, इसमें हमें मार्क करके छोड़ देना होगा क्योंकि हमको इसको बाद में सिलना है। और ये अभी खुला रहेगा क्योंकि हमने बाकी तीन सिल दिए हैं। और अब इसको हम इधर करते हुए, इसको इधर करते हुए इसको यहाँ पर पैक कर देंगे। अब इतनी दूर पर हमें मशीन चलानी है जितनी दूर में हमारी मशीन नहीं चली है। इसको यहाँ तक सिला था, इसको यहाँ तक सिला, तो यहाँ से इसी तरह इधर भी है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक हम मशीन चला देंगे। इसी तरह इधर भी चला देंगे। और अब इसमें हम मेजरमेंट करेंगे, इसको बीच में कर देंगे। और ये जो सिलाई की है हमने, यहाँ से 1.5 इंच इधर मार्क करेंगे इस तरह से, और 1.5 इंच इधर। यहाँ पर एक हमें कॉर्नर पर स्क्वायर बनाना होगा इस तरह से। ये स्क्वायर सारे कोनों में बनेगा, इधर जितना क्विल्टेड पीस है उसमें और जो हमारा ये रेड पीस है इसमें, सब में हमें लाइन खींचनी होगी। और अब इसके बाद इसको हम कट करेंगे, ये चारों कोनों को कट, एक एक कट करेंगे, एक एक सिलेंगे। रस्सी मिला करके और सिल देना है। जो ये अभी कोना नहीं सिला है इसको हम बाद में सिलेंगे, ये दूसरा हमने कट कर लिया है। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। अब ये जो खुला हुआ पीस था हमारा लाइनिंग का, यहाँ से हम पूरा बैग बाहर निकालेंगे और एक जिप खोल लेंगे। यहाँ से हम पूरा बैग बाहर निकालना है, सारे कोने बाहर कर लेंगे। और जो खुला हुआ पीस था उसको बाहर निकालेंगे और सिल देंगे। तो इसको सिलना कैसे है, ये साइड वाला हिस्सा है, इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस तरह से दोनों किनारे मिला लेंगे और इस पर हम मशीन चलाएंगे पहले।
और ये जो हमारा 1.5 इंच का जो कॉर्नर हमने बनाया था उसको भी सेम स्टाइल में सिलेंगे, अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसको पैक कर देंगे। पूरी फिनिशिंग के साथ काम हो जाएगा और ये हमारा कंप्लीट हो गया। दोनों अलग अलग सेपरेट पाउच हमारे तैयार हैं, एक ये आपको दिखाई दे रही है कॉर्नर के साथ, ये हमारा लूप है, और एक सेपरेट पॉकेट ये है। ये जो चीज़ देखने में जितनी कठिन होती है दरअसल वो उतनी आसान होती है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, और ये मैंने ब्लैक एंड वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन देख के बनाया है, और देखिए कितना आसान है, कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन दे करके डबल ज़िपर पाउच बनाइए, और इसमें काफ़ी सामान आ सकता है। आप चाहें तो बच्चों के लिए इसमें पेंसिल बॉक्स का भी यूज़ हो सकता है, इसमें शेविंग किट भी बनाई जा सकती है इस तरह से, जैसे ये जेंट्स कलर है, और मेकअप बॉक्स बनाया जा सकता है, या सफ़र में जा रहे हैं तो इसमें छोटी छोटी अचार की चटनी, नमक, चम्मच, चाकू, कांटे, ये सब भी रखे जा सकते हैं। मल्टीपर्पज़ ज़िपर पाउच है ये। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके आएगी। नमस्कार।